हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे फिक्स्ड बीम, उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आपका फिक्स्ड बीम है जिसपे दो पॉइंट लोड लगा हुआ है। दोनों पॉइंट लोड जो है प्यारे बच्चों, दो मीटर के डिस्टेंस पे लगाया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, फॉर द गिवन फिक्स्ड बीम कैलकुलेट फिक्सिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स एंड फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये तीन क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो फिक्स्ड बीम से जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही तीन क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किसी फिक्स्ड बीम के क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका कोई फिक्स्ड बीम है तो हमको पता है कि हमको क्या पता है प्यारे बच्चों कि फिक्स्ड सपोर्ट पे आरए लगेगा, मोमेंट लगे, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, तो यहां पे एमए लगेगा, यहां पर आरबी लगेगा और मोमेंट एमबी लगेगा। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक क्लियर है? अब कितना बच्चा सोच रहा होगा प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट नहीं लगेगा क्या? क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस बीम में एक्ट कर रहा है क्या? नहीं, जब एक्ट नहीं कर रहा है तो एच ए और एच बी हम क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमको आर ए एम ए आर बी एम बी निकालना है। इसी चारों के मदद से हम क्या पता कर लेंगे, फिक्सिंग मोमेंट तो एम ए और एम बी है वो तो पता चल ही जाएगा, रिएक्शन आर ए आर बी पल जाएगा तो एस एफ डी और बी एम डी भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं मैकुलेज थ्योरम, तो यहां भी हम मैकुलेज थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। क्या करेगा मैकुलेज थ्योरम, क्या करता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक सेक्शन मानिए, सबसे पहले हम एक सेक्शन मान लिए एक्स एक्स, जिसका कि लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस कितना है, एक्स है। चलिए तो अब हम लिखना चाहते हैं मोमेंट एट एक्स। प्यारे बच्चों, हम लिखना चाहेंगे मोमेंट एट एक्स, कहां लिखना चाहेंगे, मोमेंट एट एक्स एक्स। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। तो आर ए इंटू एक्स, आर ए किधर घुमाएगा प्यारे, इसका देखिए तीर का निशान ऊपर है, तीर का निशान ऊपर है, तो यहां कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स। चलिए एम ए देखिए किधर, क्या प्यारे बच्चों किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एम ए पहले ही बता चुके हैं प्यारे बच्चों, जो फिक्सिंग मोमेंट होता है वो हॉगिंग नेचर का होता है। हॉगिंग नेचर करने का मतलब है हमेशा एमए और एमबी का डायरेक्शन आपको यही बनाना है। चलिए तो आर ए इंटू एक्स माइनस एमए, अब देखिए प्यारे बच्चों इस 150 कारण भी मोमेंट आएगा, तो किधर आएगा 150 कारण, एंटी क्लॉकवाइज, किधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 150, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बताइएगा क्या। तो देखिए ये टोटल एक्स है ना, तो एक्स में से 2 घटा दे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 150 एक्स माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके कारण भी लगेगा तो ये डिस्टेंस बताइएगा क्या, ये भी प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो माइनस 150, ये डिस्टेंस टोटल एक्स है ना, तो 2 4 घटा दे क्या, तो एक्स माइनस 4 बचेगा, एक्स माइनस फोर बचा। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो अप्लाई डबल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, डबल इंटीग्रेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इजकल टू एम एक्स, तो क्या हो जाएगा आर ए एक्स माइनस एम ए माइनस 150 एक्स माइनस 2 माइनस 150 एक्स माइनस 4। क्लियर है? अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy/dx। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, तो आर ए एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एम ए कॉन्स्टेंट होगा इंटू एक्स। प्यारे बच्चों यहीं पर क्या लगा देना है, सी वन माइनस 150 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई टू माइनस 150 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई टू। चलिए
अब हम फिर से एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा ई आई बाई, ये कितना हो जाएगा आर ए एक्स का पावर क्यूब बटे सिक्स, तीन दूनी सिक्स, माइनस एम ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस टू का होल क्यूब बटे तीन दूनी छ माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस फोर का क्यूब बटे सिक्स। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम C1 और C2 का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। C1 और C2 का वैल्यू निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं बाउंड्री कंडीशन क्या बताए थे कि दोनों एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। दोनों एंड पे सबसे पहले x बराबर जीरो पर, प्यारे बच्चों ऊपर वाले को मिटा दे, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर वाले को मिटा देंगे। ऊपर वाले मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। तो इधर देखिएगा प्यारे बच्चों, वी नो दैट एक्स बराबर जीरो पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। होगा या नहीं हमको पता है कि यहां पे और यहां पे दोनों जगह स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है फिक्स्ड बीम के केस में। तो एक्स बराबर जीरो पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखिए इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो, आर ए इंटू जीरो एम ए इंटू जीरो प्लस सी वन, जीरो माइनस टू, ये ब्रैकेट क्या गया निगेटिव हो गया, जीरो माइनस फोर ये भी ब्रैकेट निगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हम मैक्यूलेज थ्योरम लगा रहे हैं। तो इधर तो हटा दिए। तो यहां से प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि सी वन का वैल्यू क्या गया, जीरो आ गया, सी वन का वैल्यू जीरो आ गया। चलिए एक और बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, वी नो दैट एक्स बराबर जीरो पे बाई जीरो, प्यारे बच्चों अब एक्स बराबर जीरो पे बाई को जीरो कीजिएगा, बाई जीरो एक्स को जीरो कीजिएगा, तो जीरो जीरो सी वन तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है प्लस सी टू, जीरो माइनस टू निगेटिव, जीरो माइनस फोर निगेटिव, तो यहां से भी सी टू का वैल्यू आपका क्या गया। तो प्यारे बच्चों हमने बाउंड्री कंडीशन लगाकर सी वन और सी टू क्या ला दिया, जीरो ला दिया। चलिए पहले प्यारे बच्चों हम अब लिख लेते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और पहले हम इसका इसके इक्वेशन को लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। ई आई ई आई बाई बराबर क्या हो जाएगा, आर ए एक्स क्यू का सिक्स माइनस एम ए एक्स स्क्वायर बाई टू, सी वन सी टू जीरो हो गया, माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस टू का होल क्यू बाई सिक्स, माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस फोर का होल का पावर क्यूब बाई सिक्स। चलिए ये आपका क्या निकल गया, ये आपका फाइनल डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकल गया। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको अभी तक आर ए और एम ए पता नहीं चला, आर ए और एम ए अभी तक हमको पता नहीं चला है, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन कितना जाएगा प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन प्यारे बच्चों हमने डी वाई बाई डी एक्स मिटा दिया है तो हम कॉपी से देखकर लिख ले रहे हैं, आर ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एम ए इंटू एक्स माइनस एम ए इंटू एक्स माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू माइनस डेढ़ सौ एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर बाई टू, यही था ना। आप देख लीजिए सी वन और सी वन को जीरो करने के बाद आपको यही इक्वेशन आएगा। चलिए अब इतना इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों, अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम एक्स बराबर छे लेते हैं मतलब इस इंड पे एक्स बराबर जैसे ही छे लेंगे तो इस इंड पर आ जाएंगे, तो एक्स बराबर छे पे बाई भी जीरो होगा और स्लोप भी जीरो होगा। तो सबसे पहले एक्स बराबर सिक्स पे डी वाई बाई डी एक्स को क्या कीजिए, जीरो कीजिए। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा आर ए, ये कितना हो जाएगा छे रखना, छे छो के छत्तीस बाई टू अठारह, तो ये कितना हो जाएगा अठारह माइनस एम ए इंटू सिक्स, इधर देखिएगा प्यारे बच्चों कितना गया डेढ़ सौ,
6 - 2 = 4 का होल स्क्वायर, 6 - 4 = 4 का होल स्क्वायर, 16 - 8 इधर कितना हो जाएगा, 6 - 4 = 2 का होल स्क्वायर, 4 - 4 = -300 ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका कितना गया 18 RA - 6 MA - 6 MA ये कितना हो जाएगा 1500 × 1200 = 1500 तो इधर आके कितना हो गया 1500। प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया, 18 RA - 6 MA = 1500 इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते हैं, 2 क्यों मानेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलिए अब हम प्यारे बच्चों ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं, प्यारे बच्चों अब ये भी हम तो जानते हैं ना, वी नो दैट एक्स बराबर 6 पे वाई भी तो 0 होगा, एक्स बराबर 6 पे वाई भी 0 होगा, तो वाई वाली इक्वेशन में रखिए आर ए, ये कितना हो जाएगा 6 × 36 कट जाएगा, तो ये 36 बचेगा माइनस 6 × 36 = 18 MA हो जाएगा, 6 रखिएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 में से 2 गया 4 - 4 = 6 - 150 × 2 = 6 जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 36 RA - 18 MA इज इक्वल टू 1800 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो ये 1800 आपको आ जाता है ठीक है। चलिए ये इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं 2, इसको कितना मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों दो अननोन है आर ए और एम ए अननोन है और हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के मदद से क्या हम आर ए और एम ए नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए उसके बाद हम बताएंगे आर ए और एम ए कैसे निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या बच जाएगा 36 RA, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 MA ये हो जाएगा 3000। प्यारे बच्चों नीचे घटा दीजिए तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, नीचे उतरेगा 6 MA बराबर माइनस 1200, तो माइनस माइनस गया तो एम ए बराबर आपका आ गया कितना 200, एम ए बराबर आपका आ गया प्यारे बच्चों 200 किलो न्यूटन मीटर। चलिए प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में रख दीजिए आपका एम ए का वैल्यू, तो देखिए आर ए कितना जाता है, तो 18 RA - 6 × 200 बराबर 1500, तो 18 RA 6 × 12 उधर कितना हो जाएगा 12 × 15 = 2700, तो आर ए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा आप 150 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने आर ए भी निकाल लिया और एम ए भी निकाल लिया, आर ए भी निकल गया और एम ए भी निकल गया। तो प्यारे बच्चों हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन से आर ए भी निकाल लिया और एम ए भी निकाल लिया। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए, अब देखिए प्यारे बच्चों इस बीम को फिर से हम यहां पे उतार लेते हैं, ये आपका 150 किलो न्यूटन, ये आपका 150 किलो न्यूटन, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने रिएक्शन निकाल लिया है आर ए आपका आया था 150 किलो न्यूटन, और ये जो फिक्सिंग मोमेंट एम ए जो आया है वो आया है 200 किलो न्यूटन मीटर आया है। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना है एम बी और निकालना है आर बी, एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिए प्यारे बच्चों आर बी और नीचे कौन सा फोर्स है, आर ए प्लस आर बी बराबर 150 + 150 = 300, तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा 300 - आर ए, तो 300 -150 आर ए का वैल्यू 150 निकाल चुके हैं, तो आर बी कितना गया, तो प्यारे बच्चों आर बी का भी इक्वेशन हम लोग निकाल लिए 150 किलो न्यूटन।
आरबी भी आ चुका है 150 किलो न्यूटन। अब देखिए प्यारे बच्चों, समेशन ऑफ मोमेंट कहां पे कर देते प्यारे बच्चों, यहां पर ए पॉइंट पे ही जीरो कर देते, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट पे जीरो। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, -200। 150 कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो +150 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, ये भी घुमाएगा वैसा ही 150 × 2 × 2 आरबी, आरबी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, आरबी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो -150 × टोटल 6, ये कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो +MB = 0 है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना हो गया, -200 + 300 + 600 और माइनस यहाँ पे कितना है 900 +MB। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 6 और 3 900 अब -1100, तो यहां से आपका MB बराबर भी आ गया 200 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों MB भी आपका आ गया 200 किलो न्यूटन मीटर और RB भी आ गया। तो प्यारे बच्चों हमने चारों रिएक्शन हमने निकाल लिया, RA भी निकाल के बता दिया, RB भी निकाल के बता दिया, MA भी निकाल के बता दिया और MB भी हमने निकाल के बता दिया, RA, RB, MA, MB हमने बता दिया प्यारे बच्चों। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था फाइंड द फिक्सिंग मोमेंट, तो फिक्सिंग मोमेंट दैट मीन्स MA और MB हम लोग निकाल के बता दिया, तो पहला आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्या था, ड्रॉ द SFD और BMD। तो चलिए प्यारे बच्चों SFD और BMD ड्रॉ करते हैं। तो प्यारे बच्चों SFD और BMD ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए SFD पहले हम लोग BMD ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो BMD ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले जितना भी की पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं डॉट लाइन से कर लेते हैं, जितना भी की पॉइंट है। चलिए हो गया प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, चलिए ये मान लेते हैं 0 ओ पॉइंट है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको बनाना होगा फ्री इंड मोमेंट, फ्री इंड मोमेंट्स। देखिए फ्री इंड मोमेंट्स क्या होता है, आप फिक्सिंग मोमेंट को भूल जाइए उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो देखिए प्यारे बच्चों फिक्सिंग मोमेंट को भूल जाना, फ्री इंड मोमेंट का मतलब होता है कि आपको फिक्सिंग मोमेंट को भूलना होगा। तो 150, 200 उसको भूल जाइए। तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों इसको भूल जाए तो यहां पे कितना मोमेंट होगा, 150 × 2 तो 300 किलो न्यूटन मीटर। अब अगर इसको देखिएगा तो इधर से 150 × 2 ये भी हो जाएगा 300 न्यूटन। अब कहीं पे भी निकालिएगा प्यारे बच्चों, इसको ऐसे ही मिलना है। तो ये बना फ्री इंड मोमेंट, ये क्या बना फ्री इंड मोमेंट्स। इस लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा और इस लाइन के नीचे हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हमने बनाया फ्री इंड मोमेंट्स, चलिए बहुत अच्छा। अब हम बनाते हैं फिक्स्ड इंड मोमेंट, तो प्यारे बच्चों MA और MB निकाल चुके, MA आपका कितना है 200 और MB भी आपका है 200। प्यारे बच्चों नीचे क्यों लिए, पहले ही पहला क्लास में ही हम बता चुके कि जो नेचर होता है वो फिक्सिंग मोमेंट का हॉगिंग होता है और हॉगिंग हमने निकाल लिया। देखिए ये हॉगिंग मोमेंट्स है और हॉगिंग मोमेंट नेगेटिव कहा जाता है। तो इस लाइन के नीचे बनाया 200 और 200। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मिला देंगे। अब इसको क्या किए, तो हमने फ्री इंड मोमेंट डायग्राम बना लिया, फिक्स्ड इंड मोमेंट डायग्राम बना लिया, ठीक है, फ्री इंड मोमेंट डायग्राम, फिक्स्ड इंड मोमेंट डायग्राम। अब दोनों को मिलाना है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे मिलता है, बहुत ही आसानी से आप देखिए कैसे मिलता है। देखिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका फ्री इंड मोमेंट डायग्राम है, ये आपका फिक्स्ड इंड मोमेंट डायग्राम है, दोनों को मिलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को बना लीजिए, हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम को उसी में बना लीजिए, ये आपका 300 था ना, ये आपका 200 था। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इसको मिटा दीजिए,
अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 200 है, नेगेटिव 200 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 300 जो था, यहां से हाइट 300 था, तो यहां से हाइट अगर 300 होगा तो पॉजिटिव से कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 200 प्लस 100 300 100। प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम, ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम। क्या किया प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसी डायग्राम को यहां रहने दिया और इसको उठाकर यहां पे रख दिया। ये 300 था, ये 200 था, तो 200 पक्का है कि 300 के नीचे होगा। अब हमने ये लाइन को खत्म कर दिया, इस लाइन को खत्म कर दिया, बाकी जो मार्किंग था, मार्किंग के अनुसार ये 300 था, तो 300 तो पहले, तो ये 200 तो पहले हो गया, तो ऊपर तो 100 जाएगा ना, पॉजिटिव में 100 और निगेटिव में 200। तो ये आपका हो गया SFD डायग्राम। चलिए BMD डायग्राम, अब हम देखेंगे SFD डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे SFD डायग्राम। तो SFD डायग्राम देखिए प्यारे बच्चों, चलिए SFD डायग्राम भी हम लोग देख लेंगे। यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, 150 किलो न्यूटन। चलिए ऊपर ले जाइए 150 किलो न्यूटन। यहां तक कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो यहां पे कांस्टेंट होगा। प्यारे बच्चों, 150 गया, यहाँ पे डायरेक्ट 150 क्या किया, नीचे दाब दिया तो नीचे चला जाएगा। यहाँ तक 150 गया, 150 150 150, और यहाँ पे जैसे आया तो 150 क्या कर दिया, ये फोर्स नीचे दाब दिया, और यहाँ तक फिर कोई फोर्स नहीं, यहाँ तक फिर कोई फोर्स नहीं, तो ये डायग्राम फिर नीचे 150 इसको दाब दिया तो नीचे फिर 150 चला जाएगा, और फिर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, तो ये आपका ये हो गया 150 किलो न्यूटन मीटर, और ये 150 किलो न्यूटन। तो ये आपका बन गया SFD डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, हमने SFD डायग्राम और BMD डायग्राम दोनों आपको ड्रॉ करके हमने दिखा दिया। ये आपका हुआ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। तो क्वेश्चन में जो पूछा था फाइंड द फिक्सिंग मोमेंट, हमने फिक्सिंग मोमेंट MA और MB भी निकाल दिया, हमने ड्रॉ कर दिया क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए अब लास्ट वन था फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों हमको निकालना था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन से ही निकलेगा, हमको मैक्सिमम निकालना है प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए dy/dx क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले भी मैक्यूलेज मेथड में बताया कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर दो लोड होगा तो दोनों लोड के बीच में पड़ेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। तो प्यारे बच्चों, वी नो दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स बिटवीन सी एंड डी। तो सी एंड डी का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि आपका एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों, 4 से छोटा होगा तो इस टर्म को नेगलेक्ट करना होगा। तो चलिए आर ए कितना आया था प्यारे बच्चों, 150 by 2 75 का होल एक्स क्यूब माइनस MA कितना आया था, 200 माइनस 150/2 x-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला है, x का वैल्यू 2 से बड़ा, 4 से छोटा, 4 से छोटा होगा तो 4 से जब छोटा x का वैल्यू होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाले को छोड़ देंगे, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या निकालिएगा x का वैल्यू, तो 75x² - 200x - 75x² + 4 - 2 = 4x। चलिए इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, 75x² - 200x - 75x² - 300 + 75 = 300x। 75x² कैंसिल, 300 और 100 तो प्लस 100 x = 300, तो x का वैल्यू आपका आ गया 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, 3 मीटर पे बनेगा, मतलब पूरे सेंटर पे बनेगा। ऐसे भी प्यारे बच्चों, ये डिफ्लेक्शन मतलब ये लोड क्या था, सिमेट्रिकल था, तो लोड सिमेट्रिकल होगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्वियस बात है कि सेंटर पे पड़ेगा। तो हम लोग अब ई बाई मैक्स निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, बाई मैक्स एक्स बराबर कितना रखना है, एक्स बराबर आपको 3 रखना था, आर ए पहले ही निकल चुका है 150, एक्स का वैल्यू आपको रखना है कितना, 3 × 3 = 27 27/6 माइनस MA निकल चुका है 200, एक्स का वैल्यू रखना है 3 × 3 = 9 9/2
तीन रखेंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस 150 बाई 6, 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब, चलिए ठीक है। ये वैल्यू 3 माइनस 4 नेगेटिव, नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो बाई मैक्स जो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, ई आई का वैल्यू दिया हुआ, ई आई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन था 16 × 10⁴ बाई मैक्स, ई आई का वैल्यू गिवेन है प्यारे बच्चों, ई आई का वैल्यू 16 × 10, ई आई का वैल्यू लिख लीजिएगा, ई आई का वैल्यू 16 × 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, 16 × 10⁴ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब यहां से बाई मैक्स बराबर समथिंग, तो बाई मैक्स जो निकलेगा यहां से प्यारे बच्चों, यहां से आपका निकल जाएगा 1.56 mm। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने क्या निकाला, इस फिक्स्ड बीम का फिक्सिंग मोमेंट भी हमने निकाला, हमने निकाला आपका सेफ्टी बीएमडी डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाता है वो भी हमने आपको सिखाया, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की मदद से बहुत कुछ हमने सीखा, और भी क्वेश्चन करेंगे, बट इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 बार आपको इस कॉन्सेप्ट को दो बार तीन बार आपको बनाना है, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।